हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इवनिंग क्लासेस। गूगल, IBM, एप्पल, दे डोंट रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री फॉर हायरिंग अ फ्रेशर। जी हाँ दोस्तों, चौंकने की जरूरत नहीं है। गूगल, IBM, एप्पल जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने ये अनाउंस किया है दैट दे डोंट जज द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। मतलब साफ है कि अगर आपके पास कितनी भी अच्छी डिग्री क्यों ना हो, कंपनी आपको डिग्री के बेसिस पर हायर नहीं करती। तो किसी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब पाने के लिए आपको क्या चाहिए, इसी के बारे में बात। डोंट मैटर यू हैव डिग्री और नॉट, सो द कंपनी हैव सम रिक्वायरमेंट्स, व्हाट दे वांट नीड्स एंड स्किल्स, दे वांट द एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, अगर आप कैंडिडेट हो और आपके पास में डिग्री नहीं है पर स्किल्स हैं, आइडियाज हैं, नॉलेज हैं, तो इट्स गुड न्यूज फॉर यू। दोस्तों, ग्लासडोर एक जॉब सर्च इंजन जिस पर जाकर के आप ये पूरी चेकलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं, जिन कंपनियों के इसमें नाम है जिन्होंने ये अनाउंस किया है, ये पूरा का पूरा डेटा आपको ग्लासडोर पर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आई नो लॉट ऑफ पीपल एंड स्टूडेंट्स दे ड्रॉप आउट एंड दे डोंट हैव डिग्री। दोस्तों, वास्तव में सभी कंपनीज और अच्छी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हायर करने की पॉलिसीज चेंज कर रही हैं और ये इनका पहला कदम है। दोस्तों, ये सब स्टूडेंट्स जो टैलेंटेड हैं पर कॉलेज या उसकी फालतू की टर्म्स एंड कंडीशंस या आपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बट दे हैव द साउंड नॉलेज एंड स्किल्स एक्सपीरियंस टू द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द कंपनी, सो दे हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट द जॉब। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल साफ है कि बच्चे अपने एजुकेशन पीरियड का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ अपनी अच्छी परसेंटेज बनाने में वेस्ट कर देते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि बुक आर नॉट गुड, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं कुछ नया सीखने के लिए। कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ये शिकायत रहती है कि बच्चे फुल अटेंडेंस नहीं देते, अच्छे मार्क्स नहीं देते, बट ग्रो अप यार, अपने आप पढ़ाई के तरीके को बदलिए, इनोवेटिव आइडियाज प्रैक्टिकल सिखाओ बच्चों को, ऐसे इंटरेस्टिंग मेथड, इंटरेस्टिंग मटीरियल्स दो कि वो खुद ही इंटरेस्ट लें, नोट्स और बुकिश नॉलेज पर नहीं। आई मीन इंडस्ट्री बदल रही है और हर रोज अपडेट हो रही है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम खास करके इंडिया वही है जो सदियों से चला आ रहा है, जो सालों से चला आ रहा है। अब हम करेंटली वो इंजीनियर्स बना रहे हैं जिनकी ज़रूरत 50 या 70 साल पहले थी। तो दोस्तों, करियर आपका है, अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बदल रही तो आपको खुद बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, खुद को अपडेट करना होगा, अपने सीखने के तरीके को बदलना होगा, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना होगा। उन चीज़ों पर डिपेंड मत रहिए जो आप कोर्सेज में सीख रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिस पर, अगर सिर्फ उनके बेसिस पर अगर आपको जॉब मिल जाती तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होता यार। प्रैक्टिकली सोचो, अगर सिर्फ उनके बेसिस पर आपको जॉब मिल जाती तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होता। 80% ऑफ स्टूडेंट्स के पास वो काबिलियत ही नहीं होती जिस पर वो जॉब पा सके, जॉब्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के पास में वो नॉलेज ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वो। और कॉलेजेस को चाहिए कि बच्चों को इसमें मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व कराएं, और ये जेन्युइन हो, फर्जी ना हो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दी मल्टीनेशनल कंपनीज हायरिंग दी पीपल फ्रॉम दी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम वेबसाइट्स। एक आर्टिकल था नारायण मूर्ति जी का, मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 80% ऑफ इंडियन यंगर्स नॉट प्रॉपरली ट्रेंड द जॉब बिकॉज ऑफ दी फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। और ये बिल्कुल सही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, तो दोस्तों, एक्सपीरियंस के लिए आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल और डेटा की कोई कमी नहीं पड़ी हुई है, ना ही अच्छे टीचर्स की कोई कमी पड़ी हुई है, बस आपको ज़रूरत है सही दिशा में चलने की। तो दोस्तों, जो एक्सपीरियंस के लिए अच्छी वेबसाइट से पढ़ाई करेंगे, अच्छे सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप जो 4 साल में नहीं सीख सके वो 6 महीने में आसानी से सीख सकते हो। और वैसे भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समझदार होते हैं और उनको सब कुछ पता होता है, बस ज़रूरत होती है उनको सही रास्ता दिखाने की। दोस्तों, मैं अपनी आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कुछ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में और हर उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपकी मदद कर सकता है एक अच्छा इंजीनियर बनने में, एक अच्छी और बेहतरीन कंपनी में जॉब पाने के लिए। तो अगर आपको हमारा चैनल ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।